जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैलियों को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले ही महीने यानी सितंबर में मेरठ सेना भर्ती कार्यालय की ओर से मुजफ्फरनगर में सेना भर्ती रैली कराई जाएगी। वैसे तो बरेली व मेरठ इन दोनों ही सेना भर्ती कार्यालयों की भर्तियों को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है, लेकिन फिलहाल मेरठ सेना भर्ती रैली को लेकर कुछ हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। देखिए, हमने आपको इस बारे में पहले ही बता दिया था कि दोनों ही भर्तियों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल मेरठ सेना भर्ती रैली को लेकर एडीएम व उपखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेना के अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें सेना भर्ती व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। हालांकि अभी भर्ती को लेकर तारीख फिक्स नहीं की गई है, कोई ऐसी डेट डिसाइड नहीं की गई है कि इस तारीख से भर्ती शुरू होगी, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास सेना भर्ती तिथि सहित भर्ती का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा और आधिकारिक तौर पर युवाओं को इसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि सेना भर्ती की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कोविड को देखते हुए, कोविड को लेकर सावधानियां बरतने को लेकर व युवाओं को सेना भर्ती में किसी तरह की परेशानियां न हो, इसको लेकर इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए एक और बैठक होगी, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। फिलहाल आप ये खबर भी देख सकते हैं, जैसा कि अमर उजाला की इस न्यूज में बताया गया है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 5 अगस्त को सेना के अधिकारियों की बैठक जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई है, जिसमें भर्ती की तैयारियों पर मंथन किया गया है। हालांकि हमने आप सभी को इस बारे में पहले ही बता दिया था कि सेना भर्ती की तैयारियों को लेकर 5 अगस्त को बैठक होगी और जरूर होगी, और यह बैठक हुई भी है, लेकिन अभी भर्ती की तिथि फिक्स नहीं की गई है और यही बात अब इस अखबार की खबर में बताई गई है। इसके अलावा जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि भर्ती की अंतिम तैयारियों को लेकर 1 से 2 बैठक और होनी है, तो इस खबर में भी यही बताया गया है कि अभी जो बैठक हुई है वो एडीएम प्रशासन के साथ हुई है, यानी अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ सेना के अधिकारियों की बैठक हुई है, और अब जो 11 या 12 अगस्त को बैठक होगी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ होगी, और इस बैठक में सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ में विभिन्न विभागों के वो अधिकारी शामिल होंगे जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, और इस बैठक में सब कुछ फाइनल करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और भर्ती की तिथि भी फिक्स की जाएगी। अब बात करें बरेली सेना भर्ती की, तो देखिए हमारे पास जो लास्ट अपडेट था वो यही था कि सितंबर में भर्ती होगी। ऐसे में यदि मेरठ सेना भर्ती होती है तो हमें ऐसा लगता है कि एक साथ 2 भर्ती कराना शायद संभव नहीं हो पाए, वो भी पास पास के सेना भर्ती कार्यालयों की, क्योंकि मेरठ सेना भर्ती रैली होती है तो बरेली का जो स्टाफ होगा वो यहीं पर सहयोग के लिए रहेगा। हाँ, यह हो सकता है कि इस भर्ती के कुछ दिन बाद ही दूसरी भर्ती शुरू कर दी जाए। देखिए, हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एक साथ 2 भर्ती नहीं हो सकती, क्योंकि यह कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं हम तो सिर्फ उन पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि आगरा, वाराणसी, अमेठी, लखनऊ, लैंसडाउन और भी कई सेना भर्ती कार्यालयों से अधिकारियों व जवानों को बुलाकर ये दोनों भर्तियां साथ करा दी जाएं। यह भी हो सकता है कि कोविड के खतरे को भांपते हुए, कोविड के खतरे को देखते हुए सेना भर्ती जल्दी कराने के लिए सितंबर माह में ही दोनों भर्ती करा दी जाए। इसलिए जब तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिलती है तब तक इस बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। और ये तो आप सभी को भी पता है कि फिलहाल देश में सेना भर्ती रैलियों को लेकर हालात क्या बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि अलवर में अप्रैल माह में सेना भर्ती होनी थी, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे और भर्ती से सिर्फ 2 दिन पहले एन वक्त पर आकर भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया था। इसी तरह आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि 25 जुलाई को सेना भर्ती का लिखित एग्जाम होना था, एडमिट कार्ड चले गए थे सभी के पास, लेकिन 23 जुलाई को इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भी जानकारी हम आपको देंगे वो बिल्कुल सही होगी, लेकिन अगले ही दिन उसको लेकर कुछ और अपडेट आ जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमें जो खबर मिलेगी हम तो वही बताएंगे ना आपको, क्योंकि कुछ लड़कों का कहना है कि आप तो कह रहे थे कि 25 जुलाई को एग्जाम होगा, हुआ तो नहीं। अरे भाई, यह खबर थी कि एग्जाम 25 जुलाई को होना था लेकिन उसे एन वक्त पर आकर पोस्टपोन कर दिया गया, तो अब उसमें हम क्या करें। हम तो यही खबर देंगे ना कि पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया। इसलिए आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप फालतू की खबरें, झूठी खबरें व अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको डी न्यूज़ भारत पर जो भी खबर बताई जाएगी वो एकदम सही होगी।
हमारे यहाँ से आपको कोई गलत खबर देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको हर खबर यहाँ पर सही मिलेगी। तो साथियों, जैसे ही इन भर्तियों के बारे में आधिकारिक तौर पर हमें और अधिक जानकारी मिलती है तो उससे भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारियों में फुल जोर लगा दीजिए, पूरी तरह जुट जाइए, क्योंकि यही वो समय है उस सपने को पूरा करने के लिए जिसके लिए आपने सालों से कठिन मेहनत की है। तो साथियों, अब आप अपनी तैयारियों में लगा दीजिए फुल जोर, क्योंकि अब भर्ती आपकी ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।